Assalamualaikum, dear aspirants for the post of Inspector Land Revenue and other different exams where descriptive examination is conducted. This is Najibullah Kalwar, Inspector Land Revenue FPR. आज की जो एजेंडा है वो ये है कि काफ़ी सारी क्यूरीज आई हैं और मेरे खुद के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो है उसको किस तरह अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है, उसकी मेन टेक्निक्स जो हैं वो कौन सी हैं। और आप सबको पता है कि इंस्पेक्टर रेवेन्यू के लिए अभी फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है, और उससे पहले जो है वो हम अगर हम देखें तो और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनका एफपीएससी जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे इंस्पेक्टर कस्टम्स हो गया, तो इस वजह से जो है ये आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू हैव जूम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है। हम एक जूम के थ्रू एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो हेल्ड करेंगे। किस चीज़ के ऊपर होगा वो, हाउ टू अटेम्प्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन इन एफपीएससी, ठीक है। यानी पर्टिकुलरली अगर आपने इंस्पेक्टर रेवेन्यू के लिए अप्लाई किया है और वैसे भी दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी सेम चीज़ ही अप्लाई होती है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम तो कहीं पर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक तो होता है कि सेलेबस को कवर करना, यानी मिसाल के तौर पे जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए सिलेबस है वो HRM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिस्कल पॉलिसी, फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसको कवर कैसे करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं। अब जो है कि आपने लिखना कैसे है, कवर तो हो गया, लिखना जो है, अटेम्प्ट करना जो है, ये भी एक बड़ी टेक्निक होती है। तो अब इस टेक्निक को सीखने के लिए ये जो जूम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा वो कंडक्ट होगा, और उसमें कौन आएगा, 2 सेपरेट जो है वो सेशंस होंगे विद इंस्पेक्टर्स कस्टम्स रिकमेंडेड बाय एफपीएससी इन जून 2022। अभी हालिया में यानी इसी साल जून में जो है जो लिस्ट लगी थी रिकमेंडेशन की इंस्पेक्टर कस्टम्स की, उसमें 2 मेरे स्टूडेंट्स हुए थे, और इंशाल्लाह उनके साथ मैं अलग अलग जो है 2 डिफरेंट सेशंस जो है वो करने जा रहा हूँ। तो ये आज वीडियो रखने का मकसद ये है कि इस वीडियो की जो नीचे कमेंट्स हैं उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, वो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन को जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चन हों उनको ऑर्गेनाइज करके मैं जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें उनसे पूछ लूँ। फिर वो जो लाइव सेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जो है आपके लिए अपलोड कर दूँगा। यानी इनडायरेक्ट वे जो है आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप इस तरह समझें कि आप जो उस लाइव सेशन में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है आपके जहन में इस वीडियो की जो कमेंट्स हैं उसमें आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन जो होगा वो उन तक मैं पहुँचा दूँगा। इसके इस अटेम्प्ट के ऊपर मैं भी अपना एक व्यू पॉइंट दूँगा, मगर फ़िलहाल जो है क्योंकि ये जो इंस्पेक्टर कस्टम्स हैं इन्होंने जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पास किया है, फिर इंटरव्यू भी पास किया है और माशाल्लाह वो रिकमेंडेड हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने उन दोनों से जो है वो एक कुछ टाइम लिया है कि वो जो है एक्सपेयर करें। अभी वो वेट कर रहे हैं ऑफर ऑर्डर्स का, अभी तक ऑफर ऑर्डर्स उनको नहीं इशू हुए, तो उनसे जो है हम ये 2 डिफरेंट सेशंस जो हैं इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आप जो है तैयारी करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की फॉर इंस्पेक्टर रेवेन्यू, तो आपको पता है कि हमारा सेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और FM फिस्कल पॉलिसी के ऊपर 6 लेक्चर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर 5 लेक्चर्स, HRM के ऊपर जो है वो 5 लेक्चर्स जो हैं हो चुके हैं। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन जो है यहाँ कमेंट्स में नहीं देना चाहते तो इस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये मेरा क्वेश्चन है
रिकॉर्डिंग द डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हों उनको ऑर्गेनाइज वे में जो है करके फिर मैं जो है वो उनके आगे जो है वो पुट अप कर दूँ, और वो जो भी आंसर्स होंगे उनके इंशाल्लाह वो दोनों जो सेशंस होंगे मैं अलग अलग से यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।